अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाई है। इससे पहले मैंने वीडियो ब्लैक फॉरेस्ट की डाला था, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल से नहीं बता पाई थी। आज मैं आप लोगों को ब्लैक फॉरेस्ट की रेसिपी डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डार्क कंपाउंड लिया है मैंने, आप कोई भी कंपनी का डार्क कंपाउंड ले सकते हैं। इस तरीके से इसे कट कर लीजिए। मैंने आधा कप मिल्क लिया है, पका हुआ दूध हमारा है ठंडा। आप व्हिप क्रीम में भी इसे बना सकते हैं। ओवन में मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें मेल्ट कर लेना है। आप जिस तरीके से मैंने इसमें मिल्क डाला था, उसी तरीके से आप इसमें बिना फेटी हुई व्हिप क्रीम डाल दीजिए और मेल्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपका गिनाश रेडी हो जाएगा। इसे थोड़ा थिक होने के लिए मैं फ्रीज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो चलिए, चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर ले लिया है मैंने। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे हम लोग और 1 चुटकी सोडा, जो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कीजिए, एक साथ पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अगर आप मिक्स करेंगे तो इसका बेस काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। ये पाउडर हमें केक की कोई भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, आप चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर बोलेंगे तो। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जब थोड़ा सा पाउडर होता है तो मैं स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करती हूँ, और जब ज़्यादा होता है तो वो फेंटने वाले से करती हूँ, जिससे हम अंडा फेंटते हैं। देखिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से चॉकलेट प्रीमिक्स का रहेगा। इसमें हम ऑयल लगा के मैदा, जैसे आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, मैदा लगा के बेक होने के लिए रख देंगे। अब चलिए क्रीम बीट कर लेते हैं। क्रीम को फ्रीज़र में से आधे घंटे के लिए बाहर निकाल के रख देना है। जब वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तब हमें इसे बीट करना स्टार्ट कर देना है। पहले कुछ देर हमें स्पीड स्लो रखनी है, फिर उसके बाद फास्ट कर देनी है, और पूरी क्रीम फास्ट स्पीड पे ही हमें बीट करना है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा मेल्ट होनी चाहिए। देखिए, इसी तरीके से हमारी क्रीम बीट हो चुकी है अच्छे से। बस अब हमें इसे फ्रिज में थिक होने के लिए रख देना है। ये मैंने बेस को कट कर लिया है, 3 लेयर किया है डार्क कंपाउंड को। इस तरीके से हम घस लेंगे अच्छे से। ये खोपरे घसने वाला जो हमारे घर में होता ही है, उसी की मदद से मैंने डार्क कंपाउंड को देखो घस लिया है अच्छे से। देखिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है हमें। शुगर सिरप मैंने इस पे लगा दिया है। शुगर सिरप में 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है और पानी है, और 2 से 3 ड्रॉप मैंने चॉकलेट एसेंस का ले लिया है। क्रीम इसके ऊपर अब हम लगाएंगे। क्रीम लगाते वक्त आप हल्के हाथ का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये हमारा गिनाश है, इसे भी हल्के ही हाथ से लगाइएगा। और ये डार्क कंपाउंड को मैंने कुछ कट कर लिया था। मार्केट में चोको चिप्स आते हैं, वो भी आप इस पे डाल सकते हैं। जब हम सेकेंड वाला लगाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा हाथ की मदद से उसे दबा दीजिएगा थोड़ा सा। फिर वही स्टेप हमारा, देख सकते हैं आप लोग। फिर चॉकलेट गिनाश डालेंगे और डार्क कंपाउंड को जो मैंने कट करके रखा था वो डाल देंगे। गिनाश फ्रीज में रखने से थोड़ा थिक हो जाता है। जब आपका ज़्यादा थिक नहीं है, आपने जब मेल्ट किया है तो, और उसे हमें थिक करना है, तो उसमें डार्क कंपाउंड और डाल दीजिए और फिर से मेल्ट कर लीजिए। और आधा एक घंटे तो आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए।
मैं एक चीज़ ये करती हूँ, जब मुझे बाहर से पूरा डेकोरेशन करना रहता है तो मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर तो पूरा डेकोरेशन में ही डालना है, राइट। हाँ, जब थोड़ा कुछ रहता है तो फिर मुझे अच्छे से उसे क्लीन करना होता है। क्लीन कब होगा? जब आप इस पर ज़्यादा क्रीम लगाएंगे। जैसे एक बार मैंने कोटिंग कर लिया, फ्रिज में रख दिया ठीक होने के लिए, फिर उसके ऊपर देखिए मैंने वापस से लगा के इस तरीके से मुझे इसे क्लीन कर लेना है। और ये स्टेप को हमें स्पीड में करना है, जितनी स्पीड में आप कर सके, वरना क्रीम मेल्ट हो जाएगी आपकी। डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं, आपके ऊपर है डेकोरेशन, आप जैसा भी करना चाहें। अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं केक बनाना तो एक ही नोजल से आप देखिए, मैं ये इजी वाला बता रही हूँ आपको किस तरीके से इसे करना है। एक ये इजी स्टेप है, जैसे हमारा साइड का क्लीन नहीं हुआ है तो ये चॉकलेट को जो हमने घस लिया था उसे साइड में लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा वो जो क्लीन नहीं हुआ होगा तो वो दिखेगा नहीं, राइट। ऐसे हाथ से फेंकते हुए भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। जो चॉकलेट गिनाश मेरे बचे हुए थे तो वो भी मैंने साइड में गिरा दिया है। ये नोजल्स से ही मैं पूरी डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत इजी है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए काफ़ी इजी है ये। देखिए चेरी जिनको पसंद है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, बट ब्लैक फॉरेस्ट में चेरी तो बनती है। वही नोजल से मैं नीचे भी डिज़ाइन बना रही हूँ, तो जिसकी वजह से हमारी जो गिनाश गिरे हुए थे, देखो थोड़ा कवर हो चुका है अच्छे से। आपके हाथ में है डेकोरेशन, आप जिस हिसाब से आपको डेकोरेशन करना है आप कर सकते हैं। ये मेरा ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी हो चुका है। आपकी फरमाइश पे मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। सिंपल सा, इजी है, हर कोई इसे घर में बना सकता है, और घर की बनी हुई चीज़ तो माशाल्लाह ही होती है। थोड़ी तो मिस्टेक होती है बट टेस्ट एक नंबर होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मेरा ये केक का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।